देवास जिले के उदयनगर क्षेत्र में आए दिन हो रहे अपराध, लड़ाई, झगड़े, मारपीट जैसी घटनाएं शराब के नशे में होती हैं। और इन शराब के नशेड़ियों को शराब घर बैठे माफियों के द्वारा परोसी जा रही है। क्षेत्र के शराब ठेकेदार और कर्मचारी फोन पर ऑर्डर लेकर दुकान दुकान पर शराब पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी के विरोध में बागली उदयनगर क्षेत्र के हीरापुर गांव की महिलाएं एकजुट होकर उदयनगर पहुंची और थाना प्रभारी एवं तहसीलदार के नाम ज्ञापन देकर डायरी सिस्टम और मोटरसाइकिल से दुकानों दुकानों पर हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि आए दिन अपराध होते हैं और इन अपराधों में मुख्य भूमिका इन शराब पीने वाले नशेड़ियों की होती है, जिससे कई प्रकार के अपराध क्षेत्र में होते जा रहे हैं। साथ ही नए युवा वर्ग के लड़के बिन शराब के ठेके द्वारा शराब परोसने के कारण वे इसकी लत के आदि होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द क्षेत्र में हो रही अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगानी चाहिए। इसके गांव में अवैध रूप से जो शराब बेची जा रही है और जो बिकवाई जा रही है, उसके खिलाफ महिलाओं ने मिलकर इस अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आवेदन देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। कौन सी पंचायत का मामला है ये? हीरापुर पंचायत का मामला, और ये हीरापुर ही नहीं, पूरे क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों का मामला। जो अवैध दुकानों पर जो डाली जा रही है ठेकेदार द्वारा, और जो हर गांव में दो दो तीन तीन दुकानें छोटी छोटी दुकानों पर दारू डाल रहे हैं, और वो जो लोगों जो लोग दारू पी के चोरियाँ हो रही है, लड़ाई हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा फैल रही है, घर से बर्बाद हो रहे हैं लोग, तो दारू के नशे में सब कुछ ये हो रहा है।